जो रीट अभ्यर्थियों का जो है धरना अभी भी जारी है, और यहाँ जो विपक्ष का जो बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी सरकार के जो मीडिया प्रभारी हैं वो यहाँ आए हैं मौजूद हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कांग्रेस सरकार है वो उनसे बात करेंगी, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैडम ये 6 लोग हैं बीजेपी के, लोग हैं ये लोग, अगर बीजेपी के होते बीएसटीसी का आंदोलन चल रहा है आज भी सुप्रीम कोर्ट में, ये हिस्से की बात तो कर ही नहीं सकते। ये तो युवा विरोधी, इन्होंने सब निजीकरण कर दिया, स्कूल बेच रहे, शिक्षा बेच रहे। आज जो इनसे पूछिए बीजेपी से, केंद्र सरकार ने रोजगार के आंकड़े बंद कर दिए, बेरोजगारी के आंकड़े जो देते थे आज रेल ठेके पे दे दी, सड़क ठेके पर दे दी, सब चीज ठेके पर दे रहे। बीजेपी वाले तो एक नंबर के झूठे हैं, दूसरे नंबर पर एक चट्टे बट्टे कांग्रेस है, दोनों एक जैसे समान है। इनसे सवाल पूछिए कि पिछली सरकार, आप तो नए पद की मांग करोगे, अरे मैडम है तेरी बीजेपी ने वसुंधरा की सरकार दी, राजस्थान के 300 सरकारी स्कूलों को तुमने बेचा था, ठेका दिया था, राजस्थान के 300 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल लेके आए थे तुम, मॉडल पीपी मॉडल, झूठे झूठे। अब तो ये राजनीति करने के लिए आए, थोड़ा चेहरा वाला थोड़ा व्यूज बढ़ जाएंगे, थोड़ा बोल के आए, नहीं नहीं तुम झूठे हो। आपके आपने कितने स्कूलों को बेचा, आपने कितने स्कूलों का वो पिछली बार किया राजस्थान की सरकार में, ये तो सुनो आए। अगर यही होते तो आज अनसिटी में कानून जो अलवन के अंदर बीएड को शामिल किया उसमें बीजेपी का एमएलए राजस्थान में नहीं बोला। एनसीटी है केंद्र की, और सरकार किसकी है केंद्र में? बीजेपी की, बीजेपी का एक नेता नहीं आया। कितने लेटर लिखे राजस्थान में, कितने विपक्ष के एमएलए, एक एमएलए ने लिखा। अगर बीजेपी के हैं तो एमएलए के पास आओ बीजेपी के, और घेर के बैठ जाओ, युवाओं के बीच में बैठ जाओ, एक दिन में हो जाए। सर जैसा कि यहाँ पर एक कयास लगाए जा रहे हैं, आज हनुमान बेनीवाल जी के आने के भी आसार हैं यहाँ पर रीट अभ्यर्थियों के साथ में जुड़ने के, तो क्या है कि ये राजनीतिक एजेंडा माना जा रहा है बीजेपी का भी यहाँ पर मौजूद होना? ये राजनीति करने के लिए आए हैं, अगर ये आते तो यहाँ के एमएलए बोलते विधानसभा घेर लेते। कितने एमएलए राजस्थान बीजेपी के हैं? 74 एमएलए, 74, एक एमएलए ने चिट्ठी नहीं लिखी, एक एमएलए नहीं बोल रहा, 74 के 74 एमएलए आ जाते युवाओं के पक्ष में, एक एमएलए नहीं है, फोन तक बात आ नहीं की। ये तो अपनी फॉर्मेलिटी के लिए फिर है, ठीक है, अच्छी बात है, आपका स्वागत है, आप चिट्ठी लिख करके भेजो अपने एमएलए को, बोलो 74 एमएलए एक पास हो जाए, युवा के साथ में हिम्मत थोड़ी है, सरकार बदल जाए, दोनों एक जैसे चट्टे बट्टे के एक सवाल। तमाम साथियों से निवेदन है जो लाइव कार्यक्रम देख रहे, कल 29 तारीख को जो साथी देख रहे हमारे बैनर के नीचे, भाई कल बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आओगे तो भला होगा। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, हम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं। जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी में जो न्यूनतम आई है राजस्थान के अंदर, वो उसको सुधार करना चाहते हैं। आज राजस्थान के सभी जगह धरने ही धरने, पैरा टीचर को धरना ही धरना जाते वाले बैठे, सरकार आँख मूंदे बैठी, ये हिटलर की चाल चल रहे ना गलोत्र मोदी, ये ठीक नहीं। एक जैसे दोनों की नीतियाँ एक जैसी है, निजीकरण किया गया और ले जा रहे, ये ठीक नहीं। आप स्कूलों को सुधारना चाहते हो तो ना तो अध्यापक दीजिए, आप ये फॉलो करवा रहे हो स्कूलों में, नामांकन बढ़ाओ। सोगलो जी पढ़ाने वाला नहीं है कोई, पढ़ाना कोई उनको, बच्चे जाते हैं स्कूल में ड्रेस पहनते हैं और ड्रेस गंदी करके घर आ जाते हैं, फिर कांग्रेस वाले क्या करते हैं, महंगाई के खिलाफ रैली निकालते हैं। राहुल गांधी जी वो ड्रेस धोने के लिए साबुन कौन देगा, क्योंकि बढ़ाने के लिए वाश ट्रेनिंग नहीं है। अब बच्चे गंदे होके आते हैं स्कूल में, खेल के ही आ जाते हैं, ड्रेस ही गंदी करे। आप महंगाई का संकेत दे रहे हो, महंगाई हटाओ, प्रमोट होना चाहते हो ना, प्रधानमंत्री का मन कर रहा है तो युवा की बात कीजिए, बाबू युवा की बात सुनेगा पर युवा पर राजनीति, युवा का ना पर झूठी राजनीति मत करो, ये ठीक नहीं। ये लोकतंत्र है, युवा जाग चुका, जहाँ जहाँ युवा चलता है जमाने उसके पीछे चलता। आप राजस्थान के अंदर बड़ी रैली कर करके संकेत देना चाहते हो, प्रमोट होना चाहते हो प्रधानमंत्री के नाम पर। पहले राजस्थान में आपकी सरकार, ये क्वेश्चन खड़ा होता, क्या बदलाव किए राजस्थान में? 3 साल बेमिसाल रेवड़ी, मिठाइयाँ, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगा दिए तुमने, पर सुधार क्या? स्कूलों में अध्यापक नहीं, इधर पंचायती सहायक वाले किधर उधर पैरा टीचर वाले बैठे, सुधार नहीं। अगर व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हो ना, काम कीजिए धरातल पर आकर के। दो ऑप्शन है हमारे पास युवाओं के पास, एक तो है डिलीट,
एक है रिपीट, अगर बात करोगे तो रिपीट मारेंगे, अगर बात नहीं करोगे तो डिलीट मारेंगे। तय आपको करना, ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में आप हमारी बात नहीं सुनोगे ना, ठीक नहीं रहेगा। क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं होती, विचारों की शान पर तेज होती। ये आंदोलन नहीं दिशा देगा राजस्थान में, पद बढ़े ना बढ़े तो तुम्हारी गलत नीतियों से। जो लोग घर में बैठे ना उनकी वजह हो सकती है, परंतु ये आंदोलन ये सीख देगा कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। राजस्थान के अंदर जो शिक्षा का तो न्यूनतम आई है राजस्थान की शिक्षा, ये सवाल खड़े होंगे तुम्हारे ऊपर। बदलाव की तस्वीर जल्द कांग्रेस और बीजेपी को 2023 के लिए खड़े कर देगी। मैडम युवा मर रहा, पढ़ा लिखा युवा जिसने बीएड किया, पीएचडी किया, बहुत मुश्किल दौर में बीएड पीएचडी किया, करने के बाद कोचिंग के धक्के खाए, धक्के खाने बाद में 6 नंबर भी आए, 6 नंबर आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। 3.5 साल में 31,000% ड्रामा किए लोगों ने, वो कह रहे हैं हम 31,000 की बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली, ये कह रहे हैं रीट महोत्सव, ये रीट महोत्सव नहीं हो सकता। 26 लाख खा आपने, ये रीट का आंदोलन है, महोत्सव नहीं है। पिछले शिक्षा मंत्री डोटासरा जी कह रहे थे रीट का महोत्सव है, अब बूढ़े ताऊ जी को देती शिक्षा व्यवस्था, अब बूढ़ा ताऊ जी कह रहे हैं कि ये तो मेरे से समझती नहीं, मेरे हाथ की बात नहीं। तो आपके हाथ की बात है, आप घर में आराम कीजिए, शांति के दिन आ गए। अगर युवा की आप बात करते हो तो आप आइए, राजस्थान का युवा आपके साथ है, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आइए हमारे साथ, कंधा से कंधा खड़ा रहिए, 2023 में आपको गाँव गाँव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार अब की बार अगर बात नहीं मानी तो गांव में घुसना, तुम्हारे एमएलए को भेजना, तो चौपालों में आगे भाषण देते ना, इनका माइक छीनेंगे हम, कलाई पकड़ के पूछेंगे। जब हम शहीद स्मारक पर बरसात में बिना छत के पड़े थे, तुम कहाँ थे, ये सवाल पूछेंगे। इसलिए हमने कहा गिरेश ओसवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो हमें इनकलाब चाहिए। हम इनकलाब लेना चाहते हैं, वो इनकलाब, वो व्यवस्था जिसमें सस्ती शिक्षा हो, वो इनकलाब जिसमें रोजगार हो, वो इनकलाब कोई बिना छत पर नारे, वो इनकलाब जिसको सब कोई भूखा पेट ना सोए, वो इनकलाब जिसमें सबको अधिकार मिले, वो इनकलाब कोई अमीर ना हो, इतना अमीर ना हो किसी को खरीद ले कोई, वो इनकलाब कोई इतना गरीब ना हो जिसको कोई खरीद पाए। हम वो बदलाव लेना चाहते हैं, इसलिए सरकार हमारी बात माने नहीं मानते तो आंदोलन और तेज होगा। सर जैसा कि आप यहाँ पर बरसात में ठंड में यहाँ मौजूद हैं, रीट अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कल भी जैसा कि आपने बताया कि कल महापड़ाव है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी आपके साथ में जुड़े, लेकिन अगर उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलती है तो क्या आपकी आगे की रणनीति रहेगी? मैडम लोकतंत्र, लोकतंत्र में इसी हाथ से बटन दबाया था, वो बटन दबा दबा करके खूब बटन घसाने की सरकार बनाई, 2023 में प्रतिक्रिया दिखा दी। और लड़के जाएंगे यूं नहीं जाएंगे, सरकार से मुकाबला जो करके जाएंगे, अपनी बात आएंगे, मुकाबला करेंगे सरकार से और डटकर मुकाबला करेंगे। जिस तरीके से लॉलीपॉप दिया ना 2018 में कि हम युवाओं की बात करेंगे, राजस्थान की कांग्रेस सरकार, देश की कांग्रेस सरकार युवाओं की सरकार है। अगर सरकार है तो युवाओं की बात करेंगे, अगर सरकार बात करती है ऑर्जनिटी से तो ये रीट के पद है तो 31,000 करे, 31,000 से बढ़ा करके 50,000 करे, अगर 50,000 नहीं किए तो 2023